बुद्धि खराब हो गई कोई भूल लमी मूल। अरे जो पंजी लगा तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा दान तोले से भरा भंडार और ये नगर मेरा तेरा गया कुछ नहीं। अब हमें दो दो जो तुम्हारे राज से बाहर है समझ के। अब बोले हरि सत ने ये बात सुनी तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा के खड़ी का एक धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पर रख दिया। लीजिए महाराज ये राज्य आपका यहाँ के रहने वाले लोग आपके हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं प्रजा हो। ये चेहरा कैसा सूख गया राज्य के जाने का कष्ट है वो दान नहीं जुर्माना है महाराज। जो दान ही ले दान देते समय मन में तकलीफ की हो कष्ट है दुख है मना कर दो चले जाएंगे। बोले महाराज वो बात नहीं है फिर क्या है दक्षिणा दो। कहने लगे भगवान अब शरीर के अलावा और कुछ नहीं बचा आप हमें बेच लो वो अपने कर्जा मौदा कर लो। विश्वामित्र हंसने लगे हाँ तुम्हें बेच लो। बोलेगा झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आता बर्तन साफ करने तुमसे नहीं आते दूसरे पे हुक्म देते रहे। बोलेगा अगर कोई खरीदने के लिए तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत महंगी पड़ोगी कोई नहीं लेगा। कहने लगे भगवान अकेले नहीं है मेरे घर में मेरी पत्नी है मेरे पुत्र है मेरी पत्नी को बेच लो मेरे पुत्र को बेच लो अपना कर्जा अदा कर लो। विश्वामित्र बोले आप पत्नी बेच लो पुत्र बेच लो पागल है दुनिया भर में ऐसी कोई स्त्री होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी। जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा पहले उसे पूछ लिया बिकने के लिए तैयार है तो अभी खुश और नहीं तैयार है और ज्यादा खुश जा पूछ लिया। अब चले महाराज घर पे हरिश्चंद्र मन में बनाई भूप जब मेलन को गाया रोज की तरह बैठा लिया लेके चेहरा उदास जिस समय देखा तो वो पत्नी अपने पति से सवाल कर बैठे क्या होगा महाराज पहले आप जब दरबार से आते थे तो बड़ा खुश होके आते थे आज इतने
ऐसा ही नहीं। किया और बैठा लिया और चेहरा देख करके सवाल कर दिया, इतने उदास का ही कुमाई हो, क्या हुआ महाराज? है कोई है घटना घट गई या कोई है साधु भूखा चला गया? आखिर क्या कारण बन गया इतने उदास क्यों? हरिश्चंद्र ने पूरी कहानी बताई। सुनो महारानी, आज एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन जाने का हमें कोई दुख नहीं है। तो सिर्फ एक बात का है महारानी, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं। एक बात पूछने आए हैं तारा, क्या तुम धर्म के नाम में थोड़ा सा हाथ लगा सकती हो? क्या तुम थोड़ा सा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी बोली, प्रभु आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम किसी और की पत्नी है।